राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर जो है इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, उत्तराखंड में भी इनके जो कारखाने हैं वहां पर भी जो है रेड पड़ी है। राजेंद्र यादव जी मेरे साथ हैं, सर कितने बजे रेड पड़ी और क्या कुछ कहना है सर, कितने ठिकानों पर रेड? मेरे सुबह 8 बजे मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे IT डिपार्टमेंट हमारी फरमाइशिस में आ रहा है, व्यापारिक हमारे परिवार का व्यापार है, राजनीति में आने से पहले मैं भी व्यापार में था, व्यापार करता था, मेरे बच्चे और मेरे ब्रदर और सब बिजनेस में हैं, और हमने कहा कि IT डिपार्टमेंट ने को आप सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करें, हम पूरा सहयोग दे रहे हैं उनको, भी आप सर्च कीजिए, अगर कोई चीज़ गलत है तो सामने आ जाएगी। ये जो TV चैनल्स पे उल्टी सीधी बातें चल रही हैं ये बिना तथ्यों की, मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले पूरा तथ्य आने दो सामने, सीजर बनेंगे उनके आगे रिकॉर्ड पे चीज आएगी, फिर आप लोगों को कोई चीज़ें करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ है जिस तरीके से अभी सर्च चलते हुए कुछ चैनल्स ने जिस तरीके गलत सलत बातें जोड़ी हैं, मिड डे मील है, फलाना है, दिखड़ा है, उस उन चीज़ों से कोई हमारा लेना देना नहीं। हमारा जो बिजनेस है, मेरे दोनों बच्चे संभालते हैं, मेरे ब्रदर हैं, और हमारा पुश्तैनी काम है हमारे पास। सन 1950 से मेरे फादर बिजनेस में हैं, आज मैं बिजनेस में था, मेरे राजनीति में आने के बाद मेरे बच्चे आज बिजनेस कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ के लिए हम तैयार हैं। ना हमारे परिवार इस तरीके का कोई गलत काम कभी किए, ना हमें आवश्यकता है। मैं जिस पार्टी में काम करता हूँ इसका गौरवशाली इतिहास है, हमारे यहाँ कभी इस तरीके की ना पार्टी में हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक ईमानदार हैं, बार बार लोग कहते हैं कि उनके नज़दीकी के यहाँ रेड है, तो ये तो IT डिपार्टमेंट और केंद्र सरकार जवाब दे कि उसकी नीयत क्या है, और आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए। जहाँ तक सवाल हमारा है, हम सच्चाई के साथ हैं, नहीं आज जिस तरीके का आक्रोश हमारे कार्यकर्ताओं में था, चाहे वो कोटपुतली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे उत्तराखंड हो, मगर हमने बिल्कुल सख्ती के साथ सबको एक बात कही कि नहीं, जांच एजेंसी अगर आई है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको उसका जवाब देंगे। अगर कोई उनको लगता है किसी चीज़ में कोई कमी है तो उनकी कमी पूरा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। सर राजस्थान और उत्तराखंड में कितने ठिकानों पर जो है रेड मारी गई? लगभग 4-5 ठिकाने हैं जहां हमारे जो ये सर्च चल रही है, मैं उसमें कहीं पर भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिसमें हमें कहीं किसी चीज़ के लिए तकलीफ आए। आपके जो प्रतिष्ठान हैं किस चीज़ के हैं सर वहाँ? हमारे पैकेजिंग का काम है कोटपुतली में, और उत्तराखंड में हमारी फूड इंडस्ट्रीज हैं। एक आखिरी सवाल, क्या केंद्र सरकार ने राजनीतिक दुष्टता के चलते ये पूरी तरीके से आपको टारगेट किया? मैं कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं कोई दुष्टता तो सामने आ ही रही है, मगर ये सवाल अगर आप IT डिपार्टमेंट से जाके पूछेंगे, भाई आप लोग जहाँ आए हैं, आप लोगों ने जो सर्च की है, उसमें क्या चीज़ सामने आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजेंद्र यादव जी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं राजस्थान के, और कांग्रेस सरकार में ये मंत्री हैं। इनका ये कहना है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते इनके ठिकानों पर जो है इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है, और इसी के चलते जो है इन्हें परेशान किया जा रहा है। तो कितना सीजर होगा, क्या कुछ होगा, ये कुछ जो है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के जो अधिकारी बताएंगे। कुछ समय बाद स्थिति साफ होगी कि क्या कुछ रहने वाला। राजस्थान और उत्तराखंड में इनके ठिकानों पर जो है छापे मारे जा रहे हैं। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9।